Hello students, I hope all of you are staying safe at your home. Coronavirus के चलते आप लोग सभी अपने घरों में अभी lockdown है और ऐसे में मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए कुछ ऐसी short motivational stories जिन्हें सुनकर आप लोगों को अपना target achieve करने में मदद मिलेगी। दोस्तों क्या आप लोग भी सपने देखते हैं पर उन्हें पूरा नहीं कर पा रहे हैं? यदि ऐसा है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर उस जोश, जज्बे, जुनून और पागलपन की कमी है जिसके कारण वह सपने पूरे नहीं हो रहे हैं। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण जिसने अपने जोश के कारण पूरी दुनिया पर राज किया है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं टाटा ग्रुप के चेयरमैन ऑनरेबल मिस्टर रतन टाटा की। फ्रेंड्स, रतन टाटा के बारे में एक किस्सा बहुत ही मशहूर है। सन 1998 में रतन टाटा ने बिना किसी विदेशी कंपनी की सहायता और बिना किसी विदेशी इंजीनियर की सहायता के भारत में ही पूर्ण रूप से स्वदेशी कार लॉन्च करी और उसका नाम रखा टाटा इंडिका। इस कार को भारत में वैसा रिस्पांस नहीं मिला जैसा कि मिलना चाहिए था और नतीजन कंपनी लॉस में जाने लगी। पार्टनर्स के सुझाव पर रतन टाटा ने अमेरिका की कंपनी फोर्ड के मालिक बिल फोर्ड के सामने कंपनी बेचने का प्रस्ताव रखा। फोर्ड ने टाटा से कहा कि जब आपको कार बनानी आती नहीं थी तो आपने बनाई क्यों, मैं ये कंपनी खरीदकर आपके ऊपर सिर्फ एहसान करूंगा। यह बात रतन टाटा को बहुत बुरी लगी और उन्होंने तुरंत वो डील कैंसिल कर दी। इसके बाद वह भारत लौट आए और वहां पे उन्होंने जीतोड़ मेहनत कर टाटा मोटर्स को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इतना ही नहीं, ठीक 10 साल बाद सन 2008 में फोर्ड की कंपनी जो कि लॉस में जा रही थी उसके दो बड़े ब्रांड लैंड रोवर और जेगुआर को भी टाटा ने खरीदा। इन कंपनियों को खरीदने के बाद फोर्ड ने टाटा से कहा कि आपने ये दोनों कंपनियां खरीदकर मेरे ऊपर एहसान किया है। दोस्तों, ये था रतन टाटा का जोश, जिद, जुनून जिसके कारण उन्होंने पूरी दुनिया पर राज किया। जब किसी नॉर्मल इंसान का अपमान होता है ना दोस्तों, तो वो बदला लेने की सोचता है, पर रतन टाटा जैसे लोगों का जब अपमान होता है तो वो बदलाव लाने की सोचते हैं। ये आपको डिसाइड करना है कि आप लोग किस कैटेगरी में आना चाहते हैं। आई होप कि मेरा ये उदाहरण सुनकर आप लोगों को भी अपना सपना पूरा करने में मदद मिलेगी। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।